कॉस्ट है, सारा कुछ हमने अफोर्ड नहीं कर सकती। रक्षे में कितने गुजारा होता है, 200-400 रुपए होता है, पेट्रोल डलवाए तो घर में कुछ खिलाए। ये बेचारे की जूतियों का हाल है, ये कपड़ों का हाल है, ना बंदा अपनी अपना कुछ बना सकता है, ना बच्चों का कुछ बना सकता है। तब्दीली सरकार ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9.53 रुपए इजाफा, नई कीमत 108.31 रुपए होगी। डीजल की नई कीमत 122.32 रुपए होगी। जनूबी पंजाब के आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही असरात सामने आने लगे। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यासा में ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए। किराए बढ़ने से शहरियों को परेशानी का सामना, बस कंडक्टर और मुसाफिरों में बहसों तकरार। साहब से गुजारिश यही है कि हमने उन्हें वोट देकर हमने उनको हुकूमत तक पहुंचाया, तो वो ऐसे तो ना करें आवाम के साथ। हम स्टूडेंट हैं, हमें कॉलेज स्कूल वगैरह जाना पड़ता है, पेट्रोल 110 रुपए हो गया। सवारी है नहीं, वैगन खाली पड़ी, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, क्या करें। हम तो गरीब बंदे हैं, बच्चों के लिए रोजी करनी है, वैगनों में सवारी बैठती नहीं है। महंगाई है, अगर तेल 65 रुपए ले चढ़ रही हो, 110 रुपए ले चढ़े, भेजना 100 सक्की में रोजी करो। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर भी मैदान में आ गए। डीजी खान के ताजरों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ समीरा चौक में मुजाहरा, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जाहिर है कीमत तो किराया भी बढ़ेगी ना, ठीक है, तो ये हुकूमत को चाहिए कोई इसका सद्देबाब अच्छा सा सोचे, कोई आवाम को रिलीफ मिले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला काबीना के सामने पेश किया गया। ईसीसी की सिफारिश के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब भी दीगर ममालिक से कम हैं। महंगाई ने सफर करना कर दिया मुहाल। रिक्शा, बसों और वैन की सवारी छोड़कर आवाम ने ढूंढ ली सस्ती सवारी। तांगे और गधे गाड़ी पर सफर शुरू कर दिया। गधा गाड़ी मालिकान और तांगे मालिकान की हो गई बल्ले बल्ले। On behalf of City News Network, I warmly welcome you all to Annual Awards 2018, sponsored by Golden Pearl and Lake City. Chal dil mere, chhod ye phere, ye dunia jhooti, log lutere. Party tonight. सिटी न्यूज नेटवर्क एनुअल अवार्ड शो 2018 बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स पर इनाम की बरसात। शील्ड और नकदी इनाम से नवाजा गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ 10 साल मुकम्मल करने वाले वर्कर्स को एजावी शील्ड माइलस्टोन से नवाजा गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के सालाना अवार्ड शो में ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करा 3 लाख रुपए नकद इनाम और शील्ड से नवाजा गया। UK44 के सीनियर असाइनमेंट एडिटर और ऑपरेशंस मैनेजर नईम गिलानी रनर अप ऑफ द ईयर नवाजा गया। सिटी न्यूज नेटवर्क की रिवायत बरकरार। सालाना तकरीब में सज्जाद और जानू के चुटकुले, हाजरीन हंस हंस कर लोटपोट हो गए। गुलकार अली जफर की परफॉर्मेंस ने खूब दाग समेटी। गुलकारा हुमैरा अरशद की परफॉर्मेंस पर हाजरीन ने खूब साथ दिया। कमाल शेर मियादाद ने आवाज का जादू जगाया तो हाजरीन खूब महसूस हुए। तो इस वास पे चुप हूं के तमाशा न बने। चौधरी परवेज इलाही, सुबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद, सुबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी, सुबाई वजीर तजारत मियां असलम इकबाल, एमएनए परवेज मलिक, शायस्ता परवेज मलिक, एमपी ख्वाजा इमरान नजीर, सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल जिया भट्ट, सीईओ लेक सिटी और ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, सीनियर और एंकर पर्सन हामिद मीर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। सिटी न्यूज नेटवर्क की कारकर्दगी को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिटी न्यूज नेटवर्क का सालाना अवार्ड शो कुरानदाजी के जरिए वर्कर्स में
पंजाब के बल्दियाती इदारे एडमिनिस्ट्रेटर ताजुनात कर दिए गए। 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कमिश्नर जबकि 25 अजला में डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। काउंसिल्स की एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी गई। जहानिया में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान की सियासत नया रुख ले रही है, नए बल्दियाती निजाम में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे। पंजाब का 30% बजट बराह रास्त बल्दियाती नुमाइंदे को मिलेगा। कबीरवाला में मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं मुस्लिम लीग नून का सियासी कारकुन बुरे वक्त में साथ रहता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 9 माह हो गए मगर कोई खुशखबरी नहीं आई, बताएं नया पाकिस्तान ठीक है या पुराना बेहतर था। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू का केस सामने आ गया। फारूक नामी शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक, आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासर शख्स अहमदपुर शर्किया का रिहायशी है। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया की गफलत, लारी अड्डे पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है एतवार, कीमती सामान चोरी हो गया, शहरियों और मुसाफिरों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किल का सामना। क्रिकेट के ताजर वास्ता के खिलाफ सराफा एहतजाज, कहते हैं 20 दिनों से गंदे पानी में डूबे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वास्ता मुलाजमीन काम करने के पैसे मांगते हैं, इंतजामिया मसाइल हल कराए। मुल्तान इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, गुलशन क्रीम कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार, अहले इलाका सराफा एहतजाज। मुजाहरीन का कहना है कि वजीर आजम पोर्टल पर भी दरख्वास्त दी, कोई सुनवाई न हुई, कहते हैं सियासी रंजिश के बाद सड़क नहीं बनाई जा रही। बहावलपुर चिड़ियाघर में सैर के लिए आए ओबाश नौजवानों का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद, सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनने की कोशिश, इंतजामिया के मुताबिक नौजवान शेरों को चिड़ियां मार रहे थे, मना करने पर गार्ड्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। मेलसी में 62 जमींदार की गुंडागर्दी, मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग मियां बीवी को कार से टक्कर के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरीन का हरे इलाका के हमरा अड्डाहरी माने के करीब सड़क ब्लॉक करके एहतजाज, जमींदार सज्जाद सोहला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। छोटी गलती की बड़ी सजा, भेड़ का बच्चा मारने पर लैया के जमींदार ने 8 साल यतीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासरा बच्चे की वालदा की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। वहीम यार खान में पसंद की शादी जुर्म बन गया, लड़की के घर वालों की सलमान मट्टू के घर घुस कर तोड़ फोड़, अहले खाना को संगीन नताश की धमकियां दी गई। सलमान मट्टू अपनी बीवी सनेहा के हमरा मदद की अपील के लिए रोही ऑफिस पहुँच गया। मुल्तान में ताजर ग्रुपों में तसादुम का मामला, वाकये के खिलाफ सराफा बाजार में शटर डाउन, गुज़िश्ता रोज साबिक सदर ख्वाजा असलम को वहीद ग्रुप ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। शुजाबाद में एक्सीएन के नारवा सलूक के खिलाफ महकमा अहलकारों की तीसरे रोज भी कलम छोड़ हड़ताल, एक्सीएन के खिलाफ नारेबाजी की गई, मुजाहरीन का एक्सीएन शहजाद राय के तबादले तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान, तालीम को मुश्किल का सामना। पाकिस्तान रेलवे में तब्दीली आ गई, बिजनेस क्लास स्टैंडर्ड में माल बरादरी का काम शुरू, कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास में गुड्स का सामान रख दिया गया, एसी ने काम करना छोड़ दिया, शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशानी का शिकार। शुजाबाद के इलाका शाहपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई, एक शख्स जाँ बहक, खातून और 2 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, मुतासर अफराद का सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अरकीन सुबह असेंबली का डीसी डीजी खान दफ्तर में इजलास, मशीर सेहत हनीफ पताफी, डॉक्टर शाहिना नजीब खोसा, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक की शिरकत, माह सयाम में आवाम को रिलीफ के हवाले से तबादला ख्याल, चीनी पर 2 करोड़ 90 लाख की सब्सिडी देने का फैसला। रहीम यार खान में एमएनए चौधरी जावेद इकबाल बड़ाए, डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील, एमपीए चौधरी आसिफ मजीद और एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक का भी सस्ते रमजान बाजार का दौरा, उधर लियाकतपुर के रमजान बाजार में भी 30 स्टॉक पर सब्सिडी दस्तियाब। डीसी मुजफ्फरगढ़ का मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा, डॉक्टर एहतशाम अनवर का कहना है सस्ते बाजारों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए,
عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد چوہدری کا میاں چنو میں رمضان بازار کا دورہ اشیاء خورونوش کے معیار اور نرخوں کا جائزہ لیا سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباقی اور سابق سپیکر قومی اسمبلی آیا صاحبی کی بہاول پور آمد ولی و رحمان کی اہلیہ اور بیٹی کی وفات پر اظہار تعزیت اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے سی پی بی ملتان میں چال اٹینڈنٹ کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد ورکشاپ کا اہتمام اقوام متحدہ کی جانب سے کیا گیا مشیدہ گل اور وزیح افضل نے بچوں کی دیکھ بھال بارے لیکچر دیے نہ فرج نہ لوڈ شیڈنگ کا ڈر جو بات روایت میں ہے وہ جدیدیت میں کہا کہروڑ پکا میں آج بھی مٹی کے گھڑے اپنی مثال آپ ہیں یہ شاہکار بنانے والے کرشماتی ہاتھ آج بھی مسائل سے دوچار حکومتی توجہ کے منتظر اور چھٹی کے روز بہاولپور چڑیا گھر میں شہریوں کا رش جھولے بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بچوں کے ساتھ بڑوں کا دوست بھی قابل دید کہتے ہیں چھٹی کے روز بچوں اور فیملی کے ساتھ سیر کا اپنا ہی لطف ہے